बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि कयामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे वो मर गया हो फिर भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। आज कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर और खासकर सेंट एलिजाबेथ पैरिश के प्रिशनर्स के साथ मिलकर हम इस कब्रिस्तान में यूखरिस्ट मनाते हैं, क्योंकि हम इस बात पर यकीन रखते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाई कि कयामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे वो मर गया है फिर भी जिंदा रहेगा। बेशक हमारे अजीज, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त हमसे जुदा हो गए हैं, खुदावंद में सो गए हैं, इंतकाल कर चुके हैं, वो इस जिंदगी से मुंतकिल होकर यीशु मसीह के कहने के मुताबिक खुदावंद में हमेशा जिंदा हैं। उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद खुदा उन्हें हमेशा का आराम बख्शे, अपने अमन और सलामती में रखे। और शायद बहुत से अजीजों का दुख और खला आज तक हमारा प्यार और मोहब्बत भर नहीं सके, और शायद आज आप में से जो इस कब्रिस्तान में जमा है बहुत से उदास भी होंगे अपने अजीजों की जुदाई की वजह से, लेकिन खुदावंद हमारा सबर है, हमारी तसल्ली है, उसी में हम सबर और तसल्ली पाते हुए ये यूखरिस्ट मनाते हैं, इसलिए भी कि मसीह यीशु हमसे पहले इस रास्ते से गुजर कर गया है और वो हमेशा के लिए जिंदा है। हमारे अजीजों को जो खुदावंद में सो गए उन्हें वेलकम करता है। इसी ईमान और इसी उम्मीद में हम अपने यूखरिस्ट का आगाज करते हैं, और बेशक अपने अजीजों के लिए जो खुदावंद में सो गए हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अगर उनसे खताएं इंसान होते हुए सरजद हुई हैं तो खुदावंद उन्हें माफ़ करे, और हम जो इस जिंदगी में सफ़र कर रहे हैं अपने लिए भी दुआ करें और खुदावंद से अपनी गलतियों और कोताहियों की माफ़ी मांगें, ताकि लायक और वाजिब तौर पर इस यूखरिस्ट में शामिल हो सकें। तो सब मिलकर कहते हैं मेहरबानी से, सब इस तरफ मुतवज्जो, सब मिलकर कहते हैं मैं कादम तले खुदा, और अब सबके सामने इकरार करता हूँ मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं मुकदसा मरियम हमेशा कुमारी सब फरिश्तों और मुकदसों, और अब सबसे इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादम तले खुदा हमारे गुनाह, गलतियाँ, कोताहियाँ हमें माफ़ करे और हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे, आमीन।
हम दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदा बाप, हम पूरे ईमान से इस बात को मानते हैं कि तेरा प्यारा बेटा मुर्दों में से जिंदा हुआ। अपने कर्म से हमारी दुआ सुन और ये बख्श दे कि हमारी उम्मीद डगमगाए बगैर इस यकीन पर ईमान रखें कि हमारे भाई और बहन उसी के साथ जी उठेंगे जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 14:7-12 आयत तक। हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है ना कोई अपने वास्ते मरता है, कि अगर हम जीते हैं तो खुदा के वास्ते जीते हैं और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। इसलिए हम जीते या मरते खुदावंद ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जिंदा हुआ ताकि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। तू किस लिए अपने भाई पर ऐब लगाता है और तू किस लिए अपने भाई को हकीर जानता है? क्योंकि हम सब खुदा के तख्त अदालत के आगे हाजिर किए जाएंगे। चुनाचे लिखा है कि खुदावंद कहता है कि मैं अपनी हयात की कसम खाता हूँ, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जुबान खुदा का इकरार करेगी। बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। के साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस के मुताबिक मुकद्दस में होना। बस जब यीशु बैतनिया में आया तो लाजर को 4 दिन का कब्र में रखा हुआ पाया। बैतनिया यरूशलेम के नजदीक तकरीबन 15 गलवे के फासले पर था और बहुत से यहूदी मरियम और मार्था के पास आए ताकि उनके भाई की बाबत उन्हें तसल्ली दे। मार्था ने जो ही सुना कि यीशु आ रहा है तो उससे मिलने को गई, मगर मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा कि आए खुदावन, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता, और मैं जानती हूं कि अब भी तू खुदा से जो कुछ मांगेगा खुदा तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा कि हाँ मैं जानती हूं वो यौम आखिर को क्यामत में जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा कि क्यामत और जिंदगी मैं ही हूं,
जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे वो मर गया हो तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस बात पर ईमान लाती है? उसने उससे कहा कि हाँ अय खुदावन, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि तू अल मसीह इब्ने खुदा है जो इस दुनिया में आने वाला था। यहाँ तक आज की इंशीले मुकदस, इंशीले मुकदस के वसीला से हम सबके गुनाह माफ किए जाएं। तशरीफ वसी खुदा ने मेरे अजीज भाई और बहनों, ये चारों तरफ कब्रिस्तान में चहल पहल, कब्रों को पानी से तर किया गया है, उस पर पोल की पत्तियां फेंकी गई हैं, बहुत सी कब्रों पर मोमबत्तियां जो है वो जलती हुई नजर आ रही हैं, बहुत से कब्रों पर अगरबत्तियां जो है वो जल रही हैं, कुछ लोग सहारों पर कब्रों के सहारों पर बैठकर अपने अजीजों से खामोशी में कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये सारी बातें इस चीज की अकासी करती हैं, इस चीज को हमारे सामने बयान करती हैं कि हमारा ताल्लुक और रिश्ता अभी तक उन शख्सियात से जिनमें हमारे अजीजों कारब माँ बाप भाई बहन बेटी बच्चे कुछ भी जो भी रिश्तेदार हैं उनके साथ अभी तक वो ताल्लुक और रिश्ता जुड़ा हुआ है, जो आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले, या 1 साल पहले, या 1 दिन पहले जो हमसे जुदा हुए थे, जो रिश्ता उनके साथ वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और यकीनन इसी बात को मद्देनजर रखते हुए, इसी खुदा यीशु मसीह की तालीमात को मद्देनजर रखते हुए पाक मां कैथोलिक कलीसिया हर साल 1 नवंबर को तमाम मुकद्दसीन को याद करती है, उन मुकद्दसीन की जिंदगियों, उनकी खुदा के साथ वफादारी को याद करती है जो उन्होंने इस जमीन पर रहते हुए खुदा के साथ और इंसानों के साथ, और 2 नवंबर को तमाम मरहूम ईमानदारों को याद करती है इस उम्मीद और ईमान के साथ कि हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, और हमारा ये मसीह ईमान हमें इस बात की तसल्ली और इस बात की उम्मीद दिलाता है कि मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावन्द की रहमत से हमेशा के आराम में, और इसलिए हमारा ताल्लुक अभी तक उनसे जुड़ा हुआ है क्योंकि वो खुदावन्द में अब भी जिंदा है। शायद हम उनको जाहिरी तौर पर नहीं देख सकते हैं लेकिन उनकी रूहें खुदा बाप के जलाल में, खुदा की रहमत में यकीनन जिंदा है, और हम सब जो यहाँ पर हैं वो भी एक न एक दिन उस जलाली जिंदगी में, अबदी जिंदगी में शरीक हों। मसीह खुदा ने मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ताल्लुक और रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं होता है, और इसीलिए हम हर साल यहाँ पर आते हैं, हर साल शायद हर एतवार के दिन भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर अपने अज़ीज़ों की कब्रों पर दुआ करते हैं, उनके लिए दुआएं खैर करते हैं। उसी तरह से हर साल कम से कम आज के दिन बहुत दूर दराज से भी सफ़र करके हम इस मकसद से यहाँ पर आए हैं ताकि अपने अज़ीज़ों को के लिए खास तौर पर दुआ कर सकें, और उनकी ज़मीनी ज़िंदगी के लिए,
जमीन पर गुजरे हुए तमाम आयात के लिए खुदावन से रहम और फसल की इल्तिजा कर सके। और ये ताल्लुक रिश्ता जो हमारा उनके साथ है, यही ताल्लुक रिश्ता यकीन हमें उन तमाम लोगों के साथ भी रखने की जरूरत है जो हमारे साथ अब इस जमीन पर जिंदा है। देखने में ये बात जो है वो मुशाहदे में आती है कि हम इस ताल्लुक और रिश्ते को नजरअंदाज कर रहे हैं। जिस तरह पीछे दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं और इसी तरह से ये छोटी सी लड़ाई जो है ये हमारे खानदानों में भी इस तरह की सर्द चाल जो है वो चलती रहती है। इस तरह की सर्द मोहरी के लहजे और रवैये जो हमारे खानदानों में और हमारे इर्द गिर्द भी पाए जाते हैं। इसलिए आज के दिन जब हम उनको याद करते हैं तो इन टूटे हुए रिश्तों को भी, इन टूटे हुए ताल्लुकात को भी हमें जोड़ने की जरूरत है कि क्या फायदा कल जब वो हमसे जुदा हो जाएगा तो फिर हम शायद उस कब्र पर जाकर उसके लिए दुआ करें। आज जब हमारे पास है तो हमें आज भी उसके लिए दुआ करने की जरूरत है। कलीसिया हमारी इस बारे में मदद और रहनुमाई करती है। अगर खुदा का ये पाक कलाम हमारे पास ना होता तो फिर हमें इस बारे में कभी भी मालूम ना हो पाता, हम इस भेद को कभी भी समझ ना पाते कि मौत के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा, हम हमारी रूहें हमारे जिस्म कहाँ जाएंगे। बाइबल मुकद्दस खुदा का पाक कलाम, खुदा यीशु मसीह की तालीम हमारी इस बारे में मदद और रहनुमाई करती है। और बाइबल मुकद्दस की रोशनी में मौत का भेद हम पर आया होता है और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि मौत, जमीनी मौत खात्मा नहीं है बल्कि हमारे लिए अबदी आसमानी सफर का एक नया आगाज। और इसलिए खुदा यीशु मसीह के ये अल्फाज कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हम खुदा यीशु मसीह के उस पाक बदन और खून की सियावत में शरीक होते हैं जिस पाक बदन और खून में वो कुवत और ताकत है जो हमें अपनी जिंदगी अता करती है। खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, जो इस राह पर चलता है वो बाप के साथ जलाली जिंदगी में दाखिल होता है। कयामत और जिंदगी मैं हूं, जो इस जिंदगी में खुदा का है वो उस कयामत में भी खुदा का हो। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि अगर हम खुदा यीशु मसीह में पैवस्त हो चुके हैं, खुदा को हमने अपनी जिंदगी में पा लिया है, तो फिर हमारा जीना भी और हमारा मरना इसकी हमें परवाह नहीं। यहां पर भी हम खुदा के साथ हैं और अगले जहान में भी हम खुदा के साथ हैं। और कैथलिक मसीहियों के लिए बड़े खुशी और फख्र की बात यह है कि हम उस जिंदा खुदावन के पैरोकार हैं जिसने मौत को शिकस्त दी। हम पाशकई भेद पर ईमान रखते हैं। पाशकई भेद हम पर यह ऐलान करता है कि हमारा खुदा यीशु मसीह जिंदा है, उसने मौत को शिकस्त दी है, मौत के बंधन को और जकड़ को नीस्त और नाबूद करके उसने हमारे लिए जिंदगी को खरीदा है, जिंदगी को फतह किया है। हम सब
मसीह के साथ उस जलाली जिंदगी में दाखिल होते हैं। और इस बात से भी हम आगाह हैं कि हमारा खुदावन रहम का खुदा है, हमारा खुदावन मोहब्बत का खुदा है, और कभी भी वो अपने बंदे को फरामोश नहीं करता है, कभी भी वो रहम करने से नहीं थकता है। और इसीलिए जब आज के दिन हम अपने उन तमाम अजीजों कारब को जिनके नाम आज लिखे गए हैं पाकल तार पर रखे गए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके नाम शायद नहीं लिखे गए होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हमारे अजीजों कारब दूर नज़दीक दूर हैं जिनके नाम इस तार पर नहीं, और सब के लिए हम आज के दिन इसलिए दुआ करते हैं। आज की पहली तलावत हमारी मदद और रहनुमाई करती है कि हमें अपने उन तमाम अज़ीज़ों के लिए दुआ करना वाजिब और जरूरी है। और लिखा है कि फिर उसने हर एक से चंदा इकट्ठा किया, यानी कि 2000 दरम चांदी जो उसने यरूशलेम भेजे ताकि उनके लिए खता की कुर्बानी गुजरानी जाए। यूं उसने क़यामत को मद्देनजर रखते हुए बड़ी नेकी का काम किया, क्योंकि अगर उसे उम्मीद ना होती कि मक्तूलों की क़यामत होगी तो मुर्दों के लिए दुआ करना बेजा और बातल होता। हमें भी इस बात की उम्मीद और इस बात की तसल्ली है, और खुदा का पाक कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि तमाम मरहूमीन की जो खुदा में सो चुके हैं अदालत होगी, और यकीनन उस अदालत से पहले हमें ज़रूरत है कि उनके लिए दुआ करें, उनके लिए खुदावंद से रहम की इल्तजा करें, और ख़ास तौर पर वो रूहें जो एराफ में हैं जिन्हें हमारी ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है कि वो हमारी दुआओं के वसीला से पाक साफ़ हो और खुदावंद के साथ जलाली ज़िंदगी में दाखिल हों। आए हम चंद लम्हात के लिए अपने सरों को छुपाएं और खुदा बाप का शुक्र करें कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा है और हमें ये वक्त अता किया है कि उन तमाम मरहूम ईमानदारों को याद कर सकें, अपने अज़ीज़-ओ-क़ारिब को याद कर सकें जो खुदावंद में सुलह और सलामती के लिए दुआ करें। आए खुदा इस मसीह, तूने अपने रसूल से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, और उसे वो सलामती और इताअत बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। हमारे खुदा मसीह की सलामती हर वक्त आपके साथ हो, आपके साथ भी। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बड़े, तुझे जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बड़े, तू जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बड़े, तुझे जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है हमें सलामती अनायत बख्श। ये है खुदा का बड़ा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हम सब जो बड़े की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। हमारे मसीह का बदन और खून हमारी जिंदगियों में हमारी रहनुमाई करे। आमीन।
की रंग बात अच्छा नहीं लगता अच्छा तो। फरमाता है कि कयामत और जिंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे वो मर गया हो फिर भी जिंदा रहेगा। जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, बख्श दे कि हमारे मरहूम बहन भाई जिनकी खातिर हमने ये पाक इबादत अदा की है अमन और सलामती के ईमानों में रहें, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ है। कादे मतलब खुदा आप सबको बड़ी बरकत दें, बाप और बेटे
और उद्दस के नाम से आमीन। और मरहूम ईमानदारों के रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें आमीन। हम पूरी कलीसिया के पैरिश के लोगों के नहायत शुक्रगुजार हैं, और इसके साथ ही जिन लोगों ने भी इस कब्रिस्तान को साफ सुथरा किया है, खासकर इन दिनों में, और जिन्होंने ये काविश की है कि वो ये पोल लगाएं, पिछले साल हमने ऐलान किया था और वाकया ही कि अगर हो सके तो ये सलीब इस पर लगे, तो वाकया ही मेरा ख्याल दानिश और उनकी टीम इसमें कामयाब हुई है। उन्हें हम दावत भी देते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो चंद अल्फाज कहें। इसके साथ ही फादर अजमल और मैं कब्रों को आपके साथ बरकत देंगे।